हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर गेमिंग चैनल गेमिंग फीवर 104। तो फाइनली आज के इस वीडियो में आपसे हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट OB26 के बारे में। ओ भाई, काफ़ी OP आइटम आपको इसमें देखने को मिलेगा, जैसा कि भाई बंडल्स, एक पर एक बंडल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ काफ़ी ज़बरदस्त इमोट है भाई, जो काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा था, बट इस बार जो इमोट्स वगैरह भाई काफ़ी ज़बरदस्त OP इमोट है। साथ ही साथ हमारा काफ़ी ज़बरदस्त लूट बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपका ग्रेनेड का स्किन है, ग्लू वाल है, साथ ही साथ हमारा बहुत सारा ऐसा आइटम है जो आपको OB26 में देखने को मिलेगा। बहुत सारा ऐसा इवेंट होगा उस इवेंट में देखने को मिले। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल में जो न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई बिना किसी लेट के। अगला हमारा बैकपैक होने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये वाला भाई काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। किसी की तरफ से भी, मतलब कहीं से भी आपको एक किसी किस्म का बैग नहीं लग रहा है, बट यार दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त है, मस्त है, एक डिफरेंट सा लुक दिया गया है, बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारा लेवल 2 पे होने वाला है, मस्त लग रहा है भाई। मतलब एक, मतलब जैसा होता था ना भाई पुराने ज़माने में भाई किंग लोग जो लगाया करते थे, मतलब तो वो उस टाइप का ही लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त लगा। मुझे तो पर्सनली यार ये बैग बहुत पसंद आया, और ये जब भी इंडियन सर्वर में आएगा मैं इसे निकालने वाला हूँ। आप हमें कमेंट में बताना कि आपको ये बैकपैक कैसा लगा। पर्सनली ये बैकपैक मुझे बहुत मस्त। सेकंड हमारा ये बैकपैक होने वाला है, पिछले बार ये हमारे इंडियन सर्वर में आया था जो हमारा लगभग ब्लैक कलर का था, बट इस बार इसे रेड और ब्लैक के साथ मिक्स दिया गया है भाई। काफ़ी ज़बरदस्त बैकपैक है, पिछले बार भी आया था मैंने निकाला था, इसके बाद आएगा फिर मैं निकालूंगा। काफ़ी ज़बरदस्त है, मस्त बैकपैक लगता है। तो हमारा ये हमारा सेकंड वाला बैकपैक होने वाला, ये बैकपैक भी काफ़ी मस्त है। इसके साथ साथ आगे भी आपको मैं कुछ बैकपैक दिखाने वाला हूँ, आप हमें कमेंट में बताना कि कौन सा बैकपैक कैसा है। इसका थर्ड लेवल पर भाई काफ़ी ज़बरदस्त लगता है, टोटली चेंज हो जाता है लेवल 1 पे, लेवल 2 पे यार बिल्कुल समझ में नहीं आता भाई किस तरह का बैकपैक है, बट ये लेवल 3 पे जैसे जाता है तो भाई टोटली चेंज हो जाता है, काफ़ी मस्त लगा। आप हमें कमेंट में बताना ये बैकपैक आपको कैसा लगा। ये हमारा थर्ड वाला बैकपैक होने वाला है भाई, कभी कभी समझ में नहीं आता भाई गरीना कर क्या रहा है भाई, इतना बेकार सा बैकपैक कोई देता है भाई। आप देखो भाई कोई भी क्लास नहीं है, बिल्कुल अजीब सा लग रहा है भाई। और जहाँ तक मुझे लगता है यार ये फ्री में ही देने वाले हैं, क्योंकि इतना बेकार सा भद्दा सा बैकपैक यार फ्री में ही होगा। मुझे तो यार पूछा जाए कि बिल्कुल बेकार सा लगा, किसी भी तरह से कोई एनिमेशन वगैरह नहीं है भाई, अगर एनिमेशन वगैरह दे तो काफ़ी अच्छा लगता है, बट ये बिल्कुल बेकार सा है भाई। आप बताना कि आपको ये बैकपैक कैसा लगा, अगर इसमें ज़रा सा भी कमेंट मतलब आपका एनिमेशन वगैरह होता तो यार कुछ खास लगता। ये लेवल 3 पे भी बिल्कुल बेकार सा है, साथ ही साथ लेवल 2 पे इसको देखो तो लेवल 2 पे भी ये बिल्कुल बेकार सा है, साथ ही साथ हर लेवल पे ये बिल्कुल बेकार है। आप हमें कमेंट में बताना कि ये बैकपैक आपको कैसा लगा। पर्सनली अगर मेरे ओपिनियन के बारे में तो बोलो तो भाई यार ये लेवल 1 पे अच्छा है, ना लेवल 2 पे ना लेवल 3 पे। तो भाई अगला आइटम हमारा सर्फ बोर्ड होने वाला है, मतलब स्काई बोर्ड होने वाला है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका सारा का सारा स्काई बोर्ड है, जो हमारा OB26 अपडेट के बाद आपको गरीना फ्री फायर में देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो तरह का है, और ज़्यादातर आपका स्काई बोर्ड हमारा कोबरा पे डिपेंड किया, मतलब कोबरा को थीम को बेस करके बनाया गया है। और पर्सनली यहाँ पे जितना वाइट आपको स्काई बोर्ड दिख रहा है वो हमारा इलाइट पास का स्काई बोर्ड है, और ये सब हो सकता है भाई के फ्री में दिया जाए या फिर आपका टॉपअप इवेंट पे दिया जाए। तो यहाँ पे आपको सारा स्काई बोर्ड देखने को मिलेगा, जो हमारा OB26 अपडेट के बाद आपको गरीना फ्री फायर में देखने को मिलेगा। पर्सनली ये वाला भी आप, हो सकता है भाई ये वाला भी स्काई बोर्ड है, हो सकता है क्या भाई 100% चांस है कि ये वाला स्काई बोर्ड भी आपका इलाइट पास का ही स्काई बोर्ड है। तो भाई बहुत जल्द इसका भी ओरिजिनल वर्जन आ जाएगा, जिसमें आपका कलरफुल ये होगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। पर्सनली यहाँ पर मैं आपको वो सब स्काई बोर्ड दिखा दे रहा हूँ जो आपका OB26 अपडेट के बाद देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक आपका हैरी पॉटर का आपका झाड़ू जो होता है वो भी आपका फ्री फायर में आ चुका है, पहले भी आया था भाई, ये फिर से आया भाई। ये वाला कलर कोई खास नहीं लग रहा, पिछला वाला जो कलर था वो काफ़ी ज़बरदस्त था। आप हमें कमेंट बताना कि इतने सारे स्काई बोर्ड में आपको कौन सा सबसे मस्त लगा और कौन सा आप निकालने वाले हो। तो भाई अगला जो हमारा आइटम होने वाला है वो हमारा लूट बॉक्स होने वाला है, और जैसा कि आप देख रहे हो जो ब्लैक एंड व्हाइट ज़िंदगी में जी रहे हैं वो हमारा इलाइट पास होने वाला है। तो भाई जिनका रंग चला गया है वो इलाइट पास का लूट बॉक्स होने वाला है। ये हमारा मार्च फरवरी के बाद आपका मार्च और अप्रैल 2 जो हमारा इलाइट पास है उनका 2 इलाइट पास का ये लूट बॉक्स होने वाला है। उसके साथ साथ और भी लूट बॉक्स हमारे इंडियन सर्वर में आपको, मतलब इंडियन सर्वर गरीना फ्री फायर में देखने को मिलेगा OB26 अपडेट के बाद। तो ये सब जो आपका सारा का सारा आपका जो आप लूट बॉक्स देख रहे हो ये हमारा OB26 अपडेट के बाद आपको गरीना फ्री फायर में देखने को मिलेगा। ये वाला भी लूट बॉक्स हमारा देखो भाई कोबरा पे बेस का है लूट बॉक्स, यार साफ देखने में समझ में आ रहा है एक तरह का कोबरा होने वाला है। तो ये भी भाई हमारा इलाइट पास का ही लूट बॉक्स होने वाला है, जो आपको
मार्च या अप्रैल वाले लाइट पास में देखने को मिलेगा। और जैसे ही भाई इसका कलर आता है मैं आपको अपडेट में आपको दिखा दूंगा कि कलरफुल कैसा है। अभी देख रहे हो आप भाई कोबरा के जैसा थीम है, कोबरा कोबरा लिखा हुआ है, मतलब कोबरा टोटली ओपी 26 का जो अपडेट होने वाला है भाई वो टोटली कोबरा से भरा पड़ा है। तो भाई ये सब सारा लूट बॉक्स आपको करीना फ्री फायर में OB26 अपडेट के बाद देखने को मिलेगा। ये भी भाई काफ़ी ज़बरदस्त है लूट भाई, ये वाला लूट बॉक्स तो काफ़ी मस्त लग रहा है भाई। यहाँ पे भी आप देखो कोबरा का थीम देखने को मिला, ओ भाई काफ़ी ज़बरदस्त ये लूट बॉक्स पर्सनली यार मुझे बहुत मज़ा आया देखने। भाई अब बात करते हैं हम बंडल्स के बारे में, तो ये हमारा पहला बंडल होने वाला है जो हमारा न्यू कैरेक्टर आने वाला है भाई शेरू, एक तरह का शेर है भाई, तो उसका ये बंडल होने वाला है। बंडल दिखने में भाई काफ़ी नॉर्मल और सिंपल सा है, किसी भी तरह का एनिमेशन वगैरह नहीं दिया गया है, यंग बॉय के जैसा है और काफ़ी मस्त है। इसमें भी आप देख पा रहे हो कोबरा 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 का टैटू बनाया हो। आप बताना कि ये बंडल आपको कैसा लग रहा है। ये हमारा दूसरा बंडल होने वाला है जिसका नाम होने वाला है भाई एरून ट्रायल। पर्सनली यार बंडल काफ़ी मस्त लग रहा है, ब्रिटिश टाइप का यार कपड़ा पहना हुआ है, जैसे कि भाई नाइट रेडर्स वगैरह जो होते थे ना भाई उसी के जैसा भाई ड्रेसअप लग रहा है, काफ़ी मस्त लग रहा है, ओपी सा है ये बंडल। यार पर्सनली मुझे ये बंडल काफ़ी पसंद आया, आप हमें बताना कि ये बंडल आपको कैसा लगा। और ये हमारा एरून ट्रायल का फीमेल बंडल होने वाला भाई, फीमेल बंडल भी काफ़ी ओपी है, मस्त लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत मस्त ज़बरदस्त दिया गया है। ये भी हमारा प्रीतिस का आपका जो नाइट राइडर्स है भाई उसके जैसा ही लग रहा है, सोल्जर के जैसा काफ़ी मस्त लग रहा है भाई। इसका ओवरऑल डिज़ाइन भी और साइड में आप देख पा रहे हो भाई शोल्डर में एनिमेशन वगैरह दिया, काफ़ी मस्त है। आप हमें बताना कि ये बंडल आपको कैसा लग। ये हमारा थर्ड वाला बंडल होने वाला है जो हमारा एस्ट्रोलॉजिस्ट बंडल है। तो भाई बंडल दिखने में काफ़ी मस्त लग रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल इसको डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी मस्त बनाया गया है। तो आप इसे क्लोज से देखो भाई, मतलब लुक भाई काफ़ी मस्त लुक रहा है इसका। भाई कैप को देखो भाई, कैप भी काफ़ी ज़बरदस्त है और हेयर भी मुझे पर्सनली यार काफ़ी मस्त लग रहा है। साथ ही साथ इसका होल बंडल आप देखो, सारा का सारा बंडल काफ़ी मस्त है। आप हमें बताना कि बंडल आपको कैसा। ये हमारा एस्ट्रोलॉजिस्ट का ही फीमेल बंडल होने वाला है भाई, फीमेल बंडल भी काफ़ी मस्त लग रहा है, ओपी वाई ज़बरदस्त। देखा जाए तो यार मेल बंडल से ज़्यादा मस्त मुझे यार इसका फीमेल बंडल लग रहा है। बट पर्सनली यार मैं फीमेल बंडल यूज़ नहीं करता हूँ, बट यार फीमेल बंडल अक्सर मैंने देखा कि फीमेल बंडल काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं। तो आप इसे देखो भाई, इसका जो टोटली डिज़ाइन देखो भाई, ये बंडल देखो अपर या फिर आपका लोअर सारा का सारा यार काफ़ी मस्त है, पूरा ड्रेस ही काफ़ी ज़बरदस्त है। आपको देखो भाई सर पे ताज की जैसा काफ़ी मस्त लगा। आप हमें कमेंट में बताना कि आपको ये बंडल ऐसा लगा, इसका मेल बंडल ज़्यादा अच्छा है या फिर फीमेल बंडल। पर्सनली यार फीमेल बंडल काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। और ये हमारा फिफ्थ बंडल होने वाला है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त बंडल है, ओपी बंडल है भाई, मस्त लगा है। इसका मेल बंडल और फीमेल बंडल दोनों भाई काफ़ी ज़बरदस्त, मेल बंडल भी काफ़ी मस्त लग रहा है भाई। बट यार थोड़ा हैवी टाइप का है, बट ये मतलब चाइनीज़ लुक के जैसा दिया गया है। और भाई इसका हेयर देखो भाई काफ़ी मस्त है, यहाँ पे हेयर में आपका 3 कलर का भाई कलर दिया गया है। उसके साथ साथ बंडल में किसी भी तरह का कोई एनिमेशन नहीं है, बट बंडल यार काफ़ी मस्त है। आप हमें बताना कि ये बंडल आपको कैसा। और ये उसका भाई फीमेल बंडल होने वाला है भाई, यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई मेल बंडल से बेकार यहाँ पे फीमेल बंडल लग रहा है। पर्सनली अगर देखा जाए तो यार इसका मेल बंडल काफ़ी मस्त था, ज़बरदस्त था उसका भाई हेयर। पर्सनली मुझे ओवरऑल इसका मेल बंडल बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसका फीमेल बंडल होने वाला है। और भाई फीमेल बंडल अच्छा रहे या बेकार रहे, मैं तो फीमेल बंडल यूज़ नहीं करता, और बहुत हद तक काफ़ी ऐसे बंदे हैं जो फीमेल बंडल यूज़ नहीं करते। और भला क्यों यूज़ करें भाई, मेल हो तो मेल बंडल यूज़ करूँगा ना। आप बताना कि आपको ये बंडल कैसा लगा। और ये हमारा एंजेलिक का बंडल होने वाला है जो हमारा नेक्स्ट इवेंट होने वाला है भाई एंजेलिक, उस इवेंट में आपको ये बंडल दिया जाएगा। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है भाई, हो सकता है ये बंडल आपको फ्री में दिया जाए, क्योंकि ये बंडल भाई फ्री का लाइक ही है। कोई बंडल यार पर्सनली बंडल बिल्कुल बेकार सा है, किसी तरह का एनिमेशन नहीं और कोई लुक नहीं, और मुझे तो यार बंडल ये बिल्कुल बेकार सा लगा। आप हमें बताना कि ये बंडल आपको कैसा लगा। साथ ही साथ यार मेरा फेवरेट और काफ़ी ज़बरदस्त ये दो बंडल आपको देखने को मिलेगा, इसका मेल और फीमेल दोनों बंडल भाई काफ़ी ज़बरदस्त है, इसमें एनिमेशन वगैरह भी दिया गया है। मुझे तो ये बंडल यार काफ़ी मस्त लगा, हो सकता है कि आपका ये नेक्स्ट इंक्यूबेटर में भी देखने को मिले। पर्सनली यार ये बंडल मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, और जहाँ तक चांस है मुझे लगता है कि भाई ये इंक्यूबेटर में भी देखने को मिल सकता है। इसका मेल और फीमेल बंडल दोनों काफ़ी मस्त है, मैं दोनों बंडल आपको सेपरेट करके दिखा दे रहा हूँ। और जहाँ तक मेरा ओपिनियन है भाई, हो सकता है ये हमारा नेक्स्ट इंक्यूबेटर भी हो सकता है, क्योंकि भाई ये उस लायक है दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त बंडल। तो भाई ये वाला मेल बंडल होने वाला है, पर्सनली मेल बंडल भाई काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। इसके हैंड पे भी देखो काफ़ी मस्त एनिमेशन वगैरह दिया गया है, उसके साथ साथ इसके आई पे देखना भाई, आई पे एक मस्त फायर का एनिमेशन दिया गया है। पर्सनली ये बंडल मुझे यार बहुत पसंद आया, इसका मेल और फीमेल बंडल दोनों काफ़ी मस्त है, मेल देखो या फीमेल देखो दोनों काफ़ी ज़बरदस्त बंडल है।
तो भाई ये वाला इसका फीमेल बंडल दिया गया है भाई, जस्ट मेल के अपोजिट फीमेल दिया गया है। मेल में जैसा कि आपने देखा कि मेल में इसका फायर का इफेक्ट दिया गया है, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट इसका आइस का इफेक्ट दिया गया है। दिखने में भाई काफ़ी मस्त लग रहा है, बट ये मेल बंडल से यार काफ़ी मस्त यार फीमेल बंडल लग रहा है। इसका राइट आई देखो भाई जैसा लग रहा है, इसमें भाई आइस जम गया, और इसकी आई पे देखो भाई जस्ट यार स्काई कलर का एनिमेशन दिया गया, काफ़ी मस्त लग रहा है, जो भाई आइस को मतलब डिटेक्ट करता है। पर्सनली यार मुझे इसका मेल बंडल से ज़्यादा मस्त फीमेल बंडल लगा। आप हमें कमेंट बताना कि आपको कौन सा बंडल ज़्यादा मस्त लगा। और साथ ही साथ ये भी एक बंडल होने वाला है जो आपका एंजेलिक का मेल बंडल होने वाला है भाई। ये बंडल भी काफ़ी मस्त लग रहा है भाई, दिखने में मस्त है, नॉर्मल मतलब फॉर्मल सा लुक है भाई कोट और पैंट का। जस्ट इससे पहले भी ब्लैक कोट और पैंट हमारे इंडियन सर्वर में आ चुके हैं, गरेना फ्री फायर में दिया गया है, बट यार इसमें कुछ डिफरेंट टाइप का कोट दिया गया है जिसमें आपका गोल्ड कलर का भाई कलर को मिक्स किया गया है। शूज़ भी इसके गोल्ड है, काफ़ी मस्त लग रहे हैं। तो ये बंडल भी आपको बहुत जल्द हमारे गरेना फ्री फायर में देखने को मिलेगा OP26 अपडेट के बाद। आप हमें बताना ये बंडल आपको कैसा लगा। और ये हमारा होने वाला है कॉबॉय का बंडल, जो दिखने में भाई काफ़ी मस्त है, और लीक के मुताबिक बताया जा रहा है कि हमारा नेक्स्ट गोल्ड रॉयल भी होता है, हो सकता है। अगर भाई ये गोल्ड रॉयल में आता है भाई काफ़ी मज़ा आ जाएगा मैंने बंदों के लिए भाई। गोल्ड रॉयल में इतना ज़बरदस्त ओपी बंडल भाई, मस्त लग रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त बंडल है। आप हमें बताना कि ये बंडल आपको कैसा लगा। पर्सनली ये बंडल मुझे यार बहुत मस्त लगा, और मैं भी चाहता हूँ कि भाई गोल्ड रॉयल में ये बंडल है, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं जो भाई डायमंड खर्च नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भाई गोल्ड का ही मतलब गोल्ड रॉयल का ही वेट रहता है गोल्ड रॉयल पर कोई अच्छा सा बंडल। तो पर्सनली ये बंडल यार काफी मस्त लग रहा है, और जहां तक चांस है ये बहुत चांस है कि आपको गोल्ड रॉयल में देखने को मिलेगा। तो भाई ये हमारा काओ बॉय का फीमेल बंडल, जस्ट उसका गर्लफ्रेंड होने वाला है भाई फीमेल बंडल, तो ये भी भाई दिखने में भाई सेम है, काफ़ी मस्त है और ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत हद तक का चांस है कि ये आपको नेक्स्ट गोल्ड रॉयल पे देखने को मिलेगा। पर्सनली अगर ये गोल्ड रॉयल होता है तो भाई काफ़ी मज़ा आ जाएगा। और ये होने वाला है हमारा भाई एस आर लिटिल लव बंडल, जो आपको बहुत हद तक चांस है कि आपका फेब्रुअरी के आपका वैलेंटाइन पे देखने को मिले। काफ़ी ज़बरदस्त बंडल है, मस्त बंडल है भाई, दीवाना टाइप का बंडल है, लग रहा है भाई आशिक है। पर्सनली यार भाई आशिकों के लिए है, तो ये हमारा जो नेक्स्ट आपका वैलेंटाइन होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। जो जो आशिक है भाई वैसे निकाल सकते हैं, बंडल काफ़ी ज़बरदस्त है, मस्त लगा। पर्सनली मुझे ये बंडल मस्त लगा, आप हमें बताना कि ये बंडल आपको कैसा। और ये होने वाला है हमारा भाई अर्बन हार्ट बंडल, हार्ट भाई रेड होता है, तो ये भी बिल्कुल रेड है हार्ट की तरह, पता नहीं ये बंडल नरम है या फिर हार्ट है। तो ये बंडल पहनने के बाद आप बिल्कुल हार्ट की तरह नरम हो जाओगे भाई। तो ये बंडल भी आपका हो सकता है कि हमारा जो नेक्स्ट वैलेंटाइन डे है उस पे आपको ये बंडल देखने को मिलेगा। पर्सनली यार बंडल काफ़ी अच्छा सा है, नॉर्मल सा है, किसी तरह का एनिमेशन नहीं दिया गया, बट फिर भी ओवरऑल इसको डिज़ाइन इतना अच्छा किया गया है कि बंडल काफ़ी मस्त लग रहा है। ओवरऑल भाई लुक अच्छा है, आप हमें बताना कि ये बंडल आपको कैसा लग रहा। पर्सनली ये बंडल मुझे काफ़ी मस्त लगा, आप हमें बताना कि बंडल आपको कैसा लगा। और ये हमारा होने वाला है भाई टिक बनी बंडल, जो आपका एक फीमेल बंडल है, काफ़ी मस्त है भाई, लुक से ही समझ में आ रहा होगा कि भाई ये एक फीमेल बंडल है। तो भाई इस बार जो OP26 अपडेट आ रहा है लड़कियों के लिए भी काफ़ी मस्त मस्त बंडल लेकर आ रहा है, तो भाई सारे लड़कियों दिल थाम के बैठो कि बहुत जल्द आपको काफ़ी मस्त मस्त बंडल मिलने वाला है। तो बहुत जल्द हमारा OP26 अपडेट के बाद आपको ये बंडल भी हमारे इंडियन सर्वर में देखने को मिलेगा। इंडियन सर्वर में क्या भाई गरेना फ्री फायर में देखने को मिलेगा। सारा का सारा बंडल काफ़ी मस्त है, आगे भी और भी OP बंडल है, आप ये सब बताना कि आपको ये बंडल कैसा लगा। और ये हमारा होने वाला है भाई नेक्स्ट फुट प्रिंट बंडल, जो आपको बहुत जल्द हमारे इंडियन सर्वर के गोल्ड रॉयल में ये देखने को मिलेगा। बहुत हद तक का चांस है कि आपको भाई कॉबॉय बंडल देखने को मिले हमारा नेक्स्ट गोल्ड रॉयल में, या फिर आपका दूसरा चांस है कि आपको ये वाला बेकार सा पटेटियर बंडल मिले जो आपका फुटप्रिंट बंडल होने वाला है भाई। तो ये बंडल भी हो सकता है कि इसका बहुत हद तक चांस है कि आपको ये हमारा नेक्स्ट गोल्ड रॉयल में देखने को मिले। पर्सनली यार नहीं आए तो अच्छा है यार, बिल्कुल बेकार सा बंडल है। आप भी बोलो यार नहीं आए करीना वाला को, कमेंट करो यार किसे हटा दे, बिल्कुल बेकार सा बंडल है। तो ये वाला बंडल हो सकता है कि बहुत हद तक का चांस है कि आपको गोल्ड रॉयल में देखने को मिले। और ये हमारा होने वाला नेक्स्ट टिक बनी का मेल बंडल, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था भाई फीमेल बंडल, तो यहाँ पे भाई मेल बंडल जीत गया फीमेल बंडल से। फीमेल बंडल बिल्कुल बेकार सा था, किसी भी तरह का लुक नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग जीत गए भाई। तो ये वाला आपका मेल बंडल होने वाला है, जो आपका टिक बनी का मेल बंडल होने वाला भाई, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है भाई। टोटल एनिमेशन वगैरह दिया गया, ड्रेस में मस्त है भाई, OP बंडल है, जो आपको बहुत जल्द हमारे इंडियन सर्वर में 26 OP अपडेट के बाद देखने को मिलेगा। तो भाई आप बताना कि ये बंडल आपको कैसा लगा। पर्सनली ये बंडल काफ़ी मस्त है, मुझे तो यार काफ़ी पसंद आया, आप हमें कमेंट में बताना कि ये बंडल आपको कैसा लगा। और ये हमारा होने वाला है भाई प्रिंस मोकोटो का बंडल, काफ़ी ज़बरदस्त है भाई, बंडल देख के ही समझ में आ रहा है भाई कहीं का प्रिंस है। तो भाई जब ये इंडियन सर्वर में आएगा तो आप सब बंदे निकल लेना भाई, क्योंकि भाई प्रिंस तो रियल लाइफ में बन नहीं सकते भाई, बंडल को पहन के बन लेंगे। काफ़ी मस्त लग रहा है भाई, ज़बरदस्त बंडल है। तो भाई यहाँ पे आप लोगों के पास मौका है प्रिंस बनने का, तो जैसे ये बंडल हमारे इंडियन सर्वर में आता है फटाफट सब निकाल लेना। और भाई ये हमारा होने वाला है भाई प्रिंसेस का बंडल, तो भाई जाहिर सी बात है भाई जहाँ पे प्रिंस होगा वहाँ पे प्रिंसेस भी होगी, तो ये हमारा होने वाला है भाई प्रिंस
एक्सेस मोकोटो का फीमेल बंडल, काफ़ी ज़बरदस्त बंडल है, ओपी बंडल है और मस्त लग रहा है। जस्ट भाई बिल्कुल क्वीन के जैसी लग रही है। इसका भाई हेयर देखो भाई, काफ़ी मस्त है, लड़कियों को तो मज़ा आ जाएगा भाई। बंडल भी काफ़ी ज़बरदस्त है, मस्त बंडल है, दूर से भी देख लेगा आराम से, AWM से भाई इसे उड़ा दिया जाएगा। तो ये वाला बंडल हमारा होने वाला है प्रिंसेस का बंडल, तो आप हमें बताना कि ये बंडल आपको कैसा लगा। और ये भी एक प्रिंस का बंडल होने वाला है भाई, जैसा कि आपने एंजेलिक मूवी देखा होगा तो उस मूवी में जो प्रिंस था वो भाई इसी तरह का बंडल पहनता था पहले का, तो इस तरह का ड्रेस होने वाला है भाई। काफ़ी ज़बरदस्त बंडल है ये बंडल, मुझे यार बहुत अच्छा लगा। एक डिफरेंट लुक दिया है भाई गरीना ने, मतलब एक अच्छा सा था। सारा वाला जो इतना सारा बंडल मैंने आपको दिखाया था वो सारे बंडल भाई नॉर्मल से, बट यहाँ पे आपको एक डिफरेंट सा लुक देखने को मिल रहा है, काफ़ी मस्त लग रहा है, शॉल वगैरह ओढ़ के मस्त है भाई। ये वाला बंडल भी काफ़ी ज़बरदस्त है, आप हमें बताना है कि बंडल आपको कैसा लगा। तो भाई ये होने वाला हमारा लास्ट बंडल, जिसका नाम होने वाला आपका रेटल स्नैक बंडल। तो भाई ये कोबरा से ही रिलेटेड है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त है और दिखने में भी यार मूवी वगैरह में आपने देखा होगा भाई जो स्नैक वगैरह का रोल करते हैं ठीक इसी तरह का बंडल वगैरह पहनते हैं। तो भाई बंडल काफ़ी ज़बरदस्त है, मस्त है, ओपी बंडल है। इसका एनिमेशन देखो यार, पीछे भी कोबरा बना हुआ है और स्नैक वगैरह, तो ये बंडल मुझे यार काफ़ी मस्त लगा पर्सनली। आप हमें बताना है कि ये बंडल कैसा लगा। इसके साथ साथ इसका एक फीमेल बंडल है, वो भी भाई काफ़ी ज़बरदस्त है, ओपी। ये वाला उसका होने वाला है भाई रेटल स्नैक का फीमेल बंडल, काफ़ी ज़बरदस्त बंडल लग रहा है भाई। टोटल लुक देखो यार बंडल का, काफ़ी मस्त है। और सबसे बड़ी चीज़ भाई इसका हेयर देखो यार, इस लड़की का हेयर देखो भाई, काफ़ी ज़बरदस्त खतरनाक टाइप का लग रहा है। जब ये बैटल ग्राउंड पे आएगी तो भाई कोई भी बंदा देख के समझ जाएगा कि सामने वाली बंदी नहीं भाई, चुड़ैल है भाई, देखते ही चुड़ैल अजीब किस्म की लग रही है। तो आप हमें बताना है कि इसका जो फीमेल बंडल है वो कैसा लगा पर्सनली, यार काफ़ी खतरनाक बंडल दिया गया। अब बारी है भाई ग्लो वाल की, तो ये ग्लो वाल होने वाला है हमारा जो OB26 अपडेट के बाद आपको देखने को मिलेगा। ग्लो वाल भाई काफ़ी ज़बरदस्त है, यहाँ पे एक बच्चा भाई काफ़ी गुस्से में देख रहा है और दूसरे साइड आप देखो भाई वही बच्चा काफ़ी स्माइल करते हुए देख रहा है, अजीब सा ग्लो वाल है भाई। तो बंदे को सामने वाला बंदा अगर उसे देखेगा तो समझ में आएगा कि बैक में जो बंदा है वो काफ़ी गुस्से में, और इसे देखने में लगेगा कि सामने वाला बंदा यार काफ़ी गुस्से, तो अजीब सा एनिमेशन दिया गया है। तो भाई ये ग्लो वाल काफ़ी मस्त लगा, आप हमें कमेंट में बताना कि ये ग्लो वाल आपको कैसा लगा पर्सनली, ये ग्लो वाल मुझे काफ़ी ज़बरदस्त। उसके साथ साथ ये हमारा दूसरा वाला ग्लो वाल होने वाला है जो भाई दीवानों के लिए, भाई आशिक के लिए। तो ये वाला ग्लो वाल आपको हमारा जो नेक्स्ट आपका वैलेंटाइन होने वाला है जो आपका 14 फरवरी को रहता है, तो भाई ये वैलेंटाइन के इवेंट में आपको दिया जाएगा। हो सकता है कि फ्री में दिया जाए या फिर इसको टॉपअप इवेंट में दिया जाएगा। तो ये भाई ये ग्लो वाल तो भाई उन दीवानों के लिए जो भाई आशिक मस्ताने दीवाने हैं, तो भाई ग्लो वाल दिखने में भी काफ़ी ज़बरदस्त है, तो भाई ये वाला ग्लो वाल भी बहुत जल्द आपको इंडियन सर्वर में देखने को मिले। यहाँ पे जो पहला हमारा इमोट होने वाला है वो आपका डांसिंग इमोट होने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हो भाई, मारने के बाद अगर डांस कर दो तो सामने वालों की भाई जल जाएगी, काफ़ी मस्त इमोट है भाई, पूरे स्क्वाड को मारने के बाद डांस कर दो। दूसरा जो हमारा ये इमोट है भाई, ये हमारा कोबरा से रिलेटेड है, जैसा कि आपको पता है 26 में आपको कोबरा से रिलेटेड बहुत कुछ देखने को मिला, काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये जो थर्ड वाला इमोट है यार, पर्सनली यार मुझे बहुत पसंद आया, पुशअप वाला है भाई, जिम वूम में पुशअप करने का बहुत ज़बरदस्त, मारने के बाद पुशअप कर दो यार मज़ा आ जाएगा। उसके साथ साथ मतलब यहाँ पर जितना भी आपका इमोट दिया गया ना, बस सारे का सारा इमोट भाई काफी जबरदस्त है। ये इमोट हमारा धूम का है भाई, जो हमारा जूम धूम का याद दिलाता है भाई, काफी मस्त है वाला इमोट भी, बड़ा जबरदस्त ओपी वाला इमोट है। और इसके बाद वाला जो ये हमारा इमोट, ये भाई कोई खास नहीं, मुझे सिंपल सा नॉर्मल लगा। उसके बाद अगर हम बात करें हमारा जो दूसरा इसके बाद वाला इमोट है वो भी काफी जबरदस्त है, बट यार पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा जो आपका पुशअप वाला था वो वाला काफी मस्त लगा, ये वाला इमोट भी काफी मस्त है। आप हमें कमेंट बताना कि आपको इमोट कैसा लगा। फाइनली भाई आखिरकार यहाँ पे सारा का सारा अपडेट खत्म हो चुका है, सारा आइटम मैंने आपको दिखा दिया है भाई। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और यार हमें इस तरह से सपोर्ट करो ताकि आगे भी हम आप लोगों के लिए इस तरह के एक्साइटिंग वीडियोस लाते रहें।